आज मैं पाकिस्तान के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो क्यों खुद को हिंदुस्तान से अलग मानते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम तो नहीं मानते कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग है, बल्कि हम तो यही नहीं मानते कि कोई पाकिस्तान भी है। गजब बेइज्जती है। हमारा तो बाप बेटों का रिश्ता। हाँ, बाप बेटों का। बात तो सही है। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हिंदुस्तान बाप है और पाकिस्तान बेटा। पर अगर आप सब यही सोच रहे हो तो मैं किसी की सोच को नहीं बदल सकता। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं। खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ। सही खेल गया बैंच। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब आप सब खुद ही सोचे कि बेटा बाप से अलग रहने लगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बेटा बाप की औलाद नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और एक दिन तो बेटे को बाप के पास आना ही पड़ेगा। अब कभी खुशी कभी गम मूवी देख लो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं सुनहरी लोमड़ी की। जी हाँ, ये है पाकिस्तान की मियां खलीफा। वैसे तो आप सभी इन्हें भली भांति जानते ही होंगे। नहीं। यदि नहीं जानते तो देखें इन्हें। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इसने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है, मानो जैसे इसने किसी का पाद सूंघ लिया हो और पाद इसके नाक में हट कर रह गया हो। और तुम्हारी फौज, तुम लोग जो सेना है और तुम्हारा जो असला है वो कितने पानी में, दुनिया जानती है। इसीलिए तुम और तुम्हारा मोदी थोड़े से पानी में ना डूब कर मर जाओ तो बेहतर हो। अच्छा। अब हिंदुस्तान के लोग ये सोचते हैं कि आखिर क्यों ये हिंदुस्तान के बारे में मुंह से इतना आग निकालती है। तो दरअसल इन्हें बीमारी है बवासीर की। यहाँ चिंगारी नीचे लगती है और हिंदुस्तान के लिए आग इनके मुंह से निकलता है। वैसे तो हम मियां खलीफा के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि ये सिंगल लॉन्डो का सहारा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अगर आपको मेरी बातों को विश्वास नहीं तो चलिए पूछते हैं सिंगल लॉन्डो से कि क्या कर सकते हैं ये मियां खलीफा के लिए। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी जो गौरव आर्या जैसे क्या कौम इसके लिए, ये लंडे के फौजी। ये कराची वाले इसको लुंडा बाजार कहते हैं, पंजाब में लंडा बाजार कहा जाता है। लंडे के या लुंडे के जो फौजी। एक तो यार इन लोगों को बड़ों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। अरे मेजर गौरव आर्य तुम्हारे जेठ हैं। कैसी लगी आगे स्वाद? तो भाई मुझे तो पाकिस्तान के लोग बहुत सुंदर लगते हैं। झूठ बोल रहे हैं। अब जरा इन पाकिस्तानी मोहतरमा को देख लीजिए। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। हाँ नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और सुंदर हो भी क्यों ना, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया की है। तो चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की। तो देखिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। ये है भिखारी जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो कौन को भिखारी। नहीं नहीं नहीं, ना हमने कुछ देखा ना हमने कुछ सुना, बस बस। सॉरी 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 सॉरी। मोदी और उससे हमारी ये गौर से सुन ले कि दुश्मनी और धड़ा पीटना हमें आता है। अच्छा, अगर दुश्मनी करने पे आ जाए तो हम अपनी कश्तियां जला कर उंगलों साते हैं। चुप कर बे कुत्ते। अबे साले रुको जरा। सब मैं कौन हूं? कोई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। हाँ तू कुछ भी कर सकता है, जा कुछ भी कर, लेकिन समझा उसे उदय शेट्टी कौन है, उसका असली रंग क्या है, अगर दिमाग घूम गया तो क्या कर सकता है। हाँ? ये ले, और कान के पीछे।
बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। तो भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना वीडियो वायरल होना नामुमकिन ही है। और अगर वीडियो में कोई कमी रहेगी तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी सब पहली रोस्टेड वीडियो है। और अगर वीडियो वायरल हो जाती है तो मैं नेक्स्ट कंटेंट के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। नेक्स्ट कंटेंट में एशिया के यूरोप देश के कुछ देश होने वाले हैं, मतलब जो इंडिया के एक दो दुश्मन होंगे, बाकी इंडिया के लंगोटिया यार से जैसे मतलब दोस्त होंगे बहुत खास जो होते हैं, और उनके ऊपर से इंडिया पाकिस्तान का आने वाले फ्यूचर के ऊपर मतलब रियलिटी, कोई मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, जो रियलिटी जो उनका फ्यूचर आने वाला है उसके ऊपर वो वीडियो होगी। पर जब वीडियो वायरल होती है वो जब की बात है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ।